हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी का एक बहुत ही टेस्टी सा ब्रेकफास्ट, जिसे हम पॉरेज भी कह सकते हैं और जिसे हम उपमा पॉरेज भी कह सकते हैं। इसके लिए मैंने 2.5 ग्राम सूजी लिया है और ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के ऑनियंस लिए हैं, जिसे मैंने फाइनली चॉप किया है। ये मैंने कुछ करी लीव्स लिए हैं और ये मैंने थोड़े से मस्टर्ड सीड्स लिए हैं, और इसके अलावा मैंने ये टमेटो लिया है, 3 टमेटो लिया है मैंने, जिसे मैंने फाइनली चॉप किया है। और ये मैंने 100 ग्राम्स के करीब में स्वीट कॉर्न लिया है, और ये 50 ग्राम्स के करीब में मैंने पनीर लिया है। और से स्टार्ट करते हैं, ये टेस्टी सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं। दोस्तों, मैंने ये गैस ऑन करके रखा हुआ था। हमारा ये पैन बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें ये ऑयल डालूंगी। अब मैं उसमें ये मस्टर्ड सीड और ये करी लीव्स डाल दूंगी। और अब मैं इसमें ये ऑनियन ऐड कर दूंगी। ये हमारा ऑनियन कलर नहीं चेंज करेगा तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमारे ऑनियन का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये टोमेटो, और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट, क्योंकि ये टमेटो हल्का सा पक जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूँगी और सारे इंग्रेडिएंट्स। ये हमारा ये टमेटो लगभग हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जस्ट पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर और ये रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली है फ्रेंड्स, इसलिए बॉर्डर स्पाइसी नहीं हो पाएगा, इसे मैंने डाला है। और अब मैं इसी स्टेज में इसमें ये डाल दूंगी ये स्वीट कॉर्न। अगर आप चाहो तो इसमें उबला हुआ पोटैटो भी ऐड कर सकते हो, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पीसेस करके, जैसे ये स्वीट कॉर्न है उस साइज़ की आप इसमें पोटैटो काट के डाल सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं और अब मैं इसमें ये ऐड करूँगी ये पनीर, जो मैंने हाथ से ही मैश किया है, और अब मैं इसको ये ऐड करूँगी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी वाटर। ये मैंने ये हॉट वाटर रखा हुआ है और आपको तो पता है मैं कोई भी चीज़ बनाऊँ उसमें मैं हॉट वाटर ही डालती हूँ, बिकॉज जिससे इसका कुकिंग का प्रोसेस चलता रहता है और ये बंद नहीं होता है, और इसकी वजह से ये कलर जो है सो जैसा आपने रखा है कलर वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो चूँकि सेमोलिना को इसमें डालना है इस वजह से हम इसमें अच्छे से पानी डालेंगे। ये पानी जब हमारा अच्छे से खौलने लगेगा तब हम उसमें सेमोलिना मतलब सूजी को ऐड कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से खौलना स्टार्ट हो चुका है और अब मैं इसी स्टेज में सूजी ऐड कर दूंगी। तो मैं सूजी ये धीरे धीरे डालना स्टार्ट करूंगी ताकि लम्स ना बने। ये सूजी है इसलिए सारे पानी को अब्सॉर्ब कर लेगा। बस हमें 1-2 मिनट ऐसे ही पकने देंगे और उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। ये अच्छी प्यारी सी खुशबू आ रही है, बस आप एक बार बनाएं और सबको खिलाएं
मुझे कमेंट्स में आप ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये ब्रेकफास्ट बन के तैयार है और मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे कमेंट्स में आप ये भी बताइएगा कि आप और कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं, मैं कौन सी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ और मैं वो डेफिनेटली आपके लिए लेके आऊँगी। फ्रेंड्स, मुझे आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ यूँ ही बनाए रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगी आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Take care. Bye.